Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. दिल्ली में नेशनल एग्जीक्यूटिव की बीजेपी की मीटिंग चल रही है और यहाँ बहुत सारे लोग आए हुए हैं। मोदी जी सनग्लास लगा के भी आए हुए हैं। आपने ये कहाँ से खरीदा ये मास्क? ये मास्क हमने मोदी मर्चेंडाइज है उससे खरीदा है। जैसे राम मंदिर वगैरह का मुद्दा है तो कोर्ट में फंसा हुआ होता रहेगा, चलता रहेगा, पर उससे पहले मोदी जी का ही स्टैचू बन जाए? स्टैचू लगना लगे लेकिन सर्वोपरि मोदी जी का स्टैचू 1914 से। अरे बापरे, सीना फाड़ के दिखाइए। देखिए सर, हम उनका प्रचारक है, प्रधानमंत्री के 10,000 वोट का मालिक है मैं सर। देखिए बापरे, उनके स्टैचू का नाम क्या होना चाहिए? सुपर स्टार इंडिया होना चाहिए। स्टैचू ऑफ डेवलपमेंट, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल से बड़ा बनेगा, दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू बनेगा और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बनाएगा, हर घर से लोहा आएगा उसमें। आज भी अगर मोदी जी कोई काम नहीं कर पा रहे तो उसमें लगता है कि नेहरू जी का छोड़ा हुआ कुछ है जिसके वजह से काम वगैरह? हाँ, इतनी प्रॉब्लम क्रिएट करके गए। पान थूक दीजिए। सबसे बड़ी जनता जनता बेवकूफ है सबसे बड़ी। क्यों सर? जनता ने मोदी जी को चुना है, आप बोल रहे हैं जनता बेवकूफ है? भाई आप हर 5 साल का बदल दोगे तो कैसे काम चलेगा ये बताओ। अच्छा, मतलब बदलना नहीं चाहिए, 10 साल 15 साल दे दो। 10 साल तो दो कम से कम। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 5 साल के टर्म को 10 साल कर देना चाहिए। अब 1 साल का बच्चा भी आप बोलोगे क्रिकेट खेलो तो खेलेगा? बराबर, ऐसे भी राजनीति में आए हैं मोदी जी तो थोड़ा जी बच्चे थोड़े ही हैं। नहीं नहीं, थोड़ा समय तो लगेगा ना। 60 साल के जो कांग्रेस के खड्डे हैं वो सब कंप्लीट तो करना है इनको। अर्थव्यवस्था पटरी पे आने वाली है, मोदी जी को 5 वर्ष का और समय दिया जाएगा, देश बहुत तरक्की करेगा, विकास करेगा। इस 5 साल में वो पहले के गड्ढे भर रहे थे, अब काम होगा? बिल्कुल, प्रधानमंत्री हो तो मोदी जी से, अदरवाइज। अच्छा ना हो अदरवाइज? हाँ, मतलब इस तरीके का कोई नेता है ही नहीं इंडिया के अंदर। कितने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए हैं मोदी जी ने? नहीं ये तो नहीं बट बना था, लेकिन सभी नेताओं से ज्यादा क्योंकि एक्टिव नेता है। नहीं वो बहुत कम करते, उनको तो काम करना है, देश को आगे लाना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस सवाल वाल में टाइम वेस्ट से पहले आप अपने मोबाइल पर मोदी ऐप डाउनलोड करें। उसके द्वारा जितनी भी जानकारी आपको चाहिए वो मिल जाएगी। आपने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में, प्रेस कॉन्फ्रेंस वही करे जिसको अपने काम को गिनवाना पड़े। मोदी जी को अपने काम को गिनवाने की जरूरत नहीं है। जनता में तो सवाल जवाब होते हैं ना। सवाल जवाब तो तब है ना जब सवाल होंगे उनके प्रति कोई सवाल ही नहीं। अर्थव्यवस्था बहुत बढ़िया चल रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप देखिए, आज भी देश में 40-50% ऐसा आदमी है जिन लोग की टेलीविजन हुआ जो हम लोग का आता है वो सब उतना नहीं देख सकते। इसीलिए लगता है मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन अच्छा है कि अपना मन का बात कर दिए सब एक बार में, सुन लिया बात में सब सुन ली एक बार, सवाल भी नहीं आता है। सवाल भी नहीं आता है उसमें। 4-5 घंटे सोते होंगे सारा टाइम देश के लिए। हेल्थ पे इफेक्ट नहीं पड़ जाएगा 4-5 घंटे सोएंगे तो? इनका पहले से एक्टिविटी ऐसी रही है, इनको हैबिट है वर्जिश करने का एंड शारीरिक अपने उसको ध्यान में रखने का। इनका पेट वेट भी बड़ा कम है मतलब। हाँ हाँ, शारीरिक पर बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं वो। किसी भी काम को करते हैं तय मन लगा के करते हैं, मतलब सोना भी है तब भी मन लगा करके सोना है, लगा के सो जाते हैं। फकीर आदमी है, फकीर नहीं, फकीर भी है, फकीर का एक गुण है, उनमें राजत्व भी है फकीरत भी है। अब धीरे धीरे लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं क्योंकि नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है। दिस इज शहबाज अंसार रिपोर्टिंग फॉर द प्रिंट।